राजगढ़ का जंगल इसके अंदर घटे खौफनाक हादसे और अनगिनत मौतों की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। आम इंसान तो दूर, फॉरेस्ट ऑफिसर भी वहां जाने से डरते थे। जिसकी भी उस जंगल में ड्यूटी लगने वाली होती थी वो पहले ही नौकरी छोड़ देता था। लेकिन राजवीर ऐसा नहीं था। जब उसकी ड्यूटी राजगढ़ के जंगल में लगी तो वो बेझिझक वहां गया और अपने एक दोस्त मयंक को भी अपने साथ ले गया। आज उसकी चौकी में पहला दिन था और अंधेरा होने ही वाला था। चलिए सर, अब हम चलते हैं, चौकी के बंद होने का टाइम हो गया है। ये तुम क्या कह रहे हो यार, रुकने के लिए अच्छे खासे कमरे हैं, तो इसको बंद करके दूसरी जगह क्यों जाएंगे? सर, यहाँ रात में रुकना अपनी मौत को दावत देना है। एक वन रक्षक होकर ऐसी बुजदिली वाली बातें बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? सर, हमें यहाँ किसी जानवर से खतरा नहीं है, यहाँ भूत प्रेतों का चक्कर है, आत्माएं घूमती हैं यहाँ। मैंने यहाँ आने से पहले भी वो बातें सुनी थी, वो सब बस अफवाह है। हम यहीं रुकेंगे और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। अगर आपका ऑर्डर है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ, लेकिन सर अगर मुझे जरा भी खतरा लगा तो मैं उसी टाइम यहाँ से भाग जाऊंगा, फिर चाहे आप मुझे नौकरी से ही क्यों ना निकलवा दें। राजवीर और करण एक कमरे में ठहर गए और मयंक दूसरे कमरे में ठहर गया। राजवीर को नींद नहीं आ रही थी, उसने वहीं लगी कबर्ड में से एक किताब निकाली और उसको खिड़की के पास बैठकर पढ़ने लगा। खिड़की से तरह तरह की आवाजें आ रही थी। राजवीर उन पर ध्यान न देते हुए पढ़ने में लगा हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद उसके कानों में घुंघरुओं की छन छन की आवाज आने लगी। अरे करण, तुम्हें ये घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी? लगता है बाहर कोई है। सर, आप इन आवाजों पर ध्यान मत दीजिए, रात में ऐसी आवाजें आती रहती हैं। राजवीर खिड़की से बाहर देखने लगा। उसको नजर आया कि कच्चे रास्ते पर एक लड़की चली जा रही है। बाहर कोई लड़की है, करण चलो जरा देखते हैं कौन है। सर, इस जंगल में इतनी रात में भला कोई लड़की क्या करने आएगी? वो कोई आत्मा वात्मा भी हो सकती है। मैंने कहा ना, कोई आत्मा वात्मा नहीं होती, चलो जल्दी से उठो। करण ना चाहते हुए भी उठकर उसके साथ हो लिया। करण ने राजवीर से कहा कि उसको कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन राजवीर को लगा कि करण डर की वजह से ऐसा कह रहा है और वो बिना रुके उस आवाज का पीछा करता रहा। उसी आवाज का पीछा करते करते अब वो एक जगह पहुंचे। वहां उनको एक ढलान नजर आया और नीचे जाकर वो ढलान एक तालाब पर जाकर खत्म हो रहा था। उसी तालाब के पास राजवीर को फिर से वो लड़की नजर आई। देखो, वो रही। राजवीर ने अचानक से पैर आगे बढ़ा दिया। वहां की मिट्टी काफी गीली थी और वहां झाड़ियां भी थी। उसका पैर जमीन में अटक गया। सर, मैं निकालता हूँ, आप हिलिएगा नहीं। करण ने उसका पैर निकालने की कोशिश की तो वहां की चिकनी मिट्टी पर फिर से करण का पैर फिसल गया और वो ढलान से लुढ़कता हुआ नीचे तालाब की तरफ गिरने लगा। करण! करण लुढ़कता हुआ नीचे तालाब के पास पहुंच गया, लेकिन वहां भी काफी पेड़ और झाड़ियां थी जिसके कारण राजवीर उसको देख नहीं सकता था। करण को काफी चोटें आई थी, वो खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ। इस आदमी को खुद तो खतरे के पास जाने की आदत है, साथ में मुझे भी ले आया। तभी करण को अपने ठीक पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। उसने देखा कि अचानक से हवा चलने लगी है और ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। उसने डरते हुए अचानक से पीछे पलट कर देखा, एक लड़की नीला लहंगा पहने हुए ठीक उसके सामने खड़ी थी। उसका चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था। कौन हो तुम? लड़की कुछ नहीं बोली, लेकिन तभी हवा का एक झोंका आया और उसके सर से दुपट्टा हट गया। लड़की का चेहरा पूरी तरह से झुलसा हुआ था, आंखें लाल लाल चमक रही थी। उसका खौफनाक चेहरा देखकर करण की धड़कनें मानो रुक सी गई और सांसें अटक कर रह गईं। उसने करण की आंखों में अपने नाखून मार डाले और अगले ही पल उसने करण को फिर से पकड़ा और उसकी गर्दन में अपने दांत गाड़ दिए। ये कहकर उसने अपने पंजे से कई बार उसके पेट पर वार किया, फिर जमीन पर बैठकर उसका सारा मांस खाने लगी। इस तरफ राजवीर भी अपने पैर को निकालने में कामयाब हो चुका था।
वो ढलान से धीमे धीमे नीचे उतरने लगा और उसको तालाब की तरफ वही लड़की जाती हुई नजर आई। वो लड़की तालाब में एक कदम रख चुकी थी, तभी राजवीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजवीर की उससे नजरें मिली, वो उसकी खूबसूरती और शरीर की बनावट में खोने लगा। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी भावनाओं पर काबू किया और फिर से उससे पूछा, कौन हो तुम और इस टाइम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम निहारिका है, यहाँ तालाब पर मरने के इरादे से आई हूँ। देखो, मैं इस जंगल का फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ, जो भी परेशानी है मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैं राजगढ़ में अपनी छोटी बहन सृष्टि के साथ रहती थी। अभी कुछ दिनों पहले मेरी बहन न जाने कहाँ गायब हो गई। ठाकुर साहब के छोटे भाई का उसके साथ मिलना जुलना था। मैं उसको ढूंढते हुए वहाँ पहुँची तो उसने मुझे बुरा भला कहकर भगा दिया। तब से ठाकुर के आदमियों ने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। पूरे गांव में ये अफवाह फैला दी कि मेरी बहन किसी के साथ भाग गई है। उसके बाद गांव वालों ने भी मुझ पे गंदी नजर रखनी शुरू कर दी। अब ऐसे में मैं भला क्या कर सकती हूँ? आप चलिए मेरे साथ, मैं आपकी बहन को ढूंढने में आपकी मदद करूंगा। मेरे कहने पर पुलिस कार्यवाही जरूर करेगी, आप ये मरने का इरादा छोड़ दीजिए। उसकी बात सुनकर वो चुपचाप उसके साथ चल दी। जब राजवीर चौकी वापस पहुंचा तो मयंक दरवाजे पर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। राजवीर के साथ निहारिका को देखकर वो भी उसकी खूबसूरती में खो गया। तू बाहर क्या कर रहा है? कहाँ चला गया था तू? अरे ऑफिसर मैं हूँ तो मैं तुझे क्यों परेशान करता, इसलिए तुझे सोता हुआ छोड़कर चला गया। ये कौन है? फिलहाल अंदर चलते हैं, बाद में बता दूंगा। कहकर वो तीनों अंदर गए। राजवीर ने निहारिका को एक कमरे में ठहरा दिया और फिर मयंक को उसके बारे में सब कुछ बता दिया। बहुत ही अजीब कहानी है इसकी, कहीं ये कोई चुड़ैल? यार अब तू भी शुरू मत हो जाना, अगर ये कोई चुड़ैल होती तो मैं जिंदा तेरे सामने नहीं खड़ा होता। लेकिन ये करण कहाँ है? वो भी अपने कमरे में नहीं है। वो बहुत ही डरा हुआ था, लगता है जैसा उसने कहा वैसा ही किया, भाग गया वो। आई थिंक अब तो सुबह ही आएगा। चल ठीक है, अब दोनों सो लेते हैं और मेरे बाप अब मुझे अकेला छोड़कर कहीं मत जाना। वो दोनों एक ही कमरे में जाकर सो गए। कुछ देर बाद उनको कई कुत्तों के एक साथ रोने की आवाज आने लगी। अरे यार, अब इन कुत्तों की भी नानी अभी ही मरनी थी क्या? मैं जाकर देखता हूँ। रुक, मैं भी आता हूँ। और दोनों रूम से बाहर निकले। उसकी नजर निहारिका के कमरे पर पड़ी जिसका दरवाजा खुला हुआ था और वो उसमें मौजूद नहीं थी। दोनों बाहर निकले और वहाँ एक अजीब सी बदबू आ रही है। दोनों ने पास जाकर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहाँ जमीन पर एक लाश कई चीथड़ों में पड़ी हुई थी। उसके कपड़ों से पता चल रहा था कि वो लाश करण की है। करण की लाश यहाँ पड़ी है इतनी बुरी हालत में, और निहारिका यहाँ से गायब है, कहीं निहारिका सच में? तभी उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ रखा और उसके दिल की धड़कने रुक गई। करण को मारने वाली भूतनी कौन थी? निहारिका की सच्चाई क्या है? और जिस इंसान ने अभी राजवीर के कंधे पर हाथ रखा है वो कौन है? अब तक आपने देखा, करण की लाश बहुत ही बुरी हालत में जमीन पर पड़ी थी। राजवीर और मयंक उसको हैरानी से देख रहे थे। निहारिका अपने कमरे से गायब थी, तभी किसी ने पीछे से राजवीर के कंधे पर हाथ रखा। आगे, निहारिका तुम यहाँ कैसे? कुछ देर पहले तो तुम अपने कमरे में नहीं थी। हाँ, मैं बाथरूम गई थी, तो अपने कमरे में कैसे होती? ये लाश किसकी है? ये करण था, मेरे साथ आया वन रक्षक। ये उस जगह मुझसे बिछड़ गया था जहाँ तुम मुझे मिली थी। लेकिन इसकी अचानक मौत कैसे हो गई और इसकी लाश यहाँ कैसे पहुँची? हो सकता है ये यहाँ वापस आ रहा हो और किसी जानवर ने इस पर यही हमला कर दिया हो। तुम्हारी आँखों के सामने एक लाश पड़ी है, एक लड़की होने के बावजूद तुम्हें एक लाश देखकर जरा भी डर नहीं लग रहा? मैंने इस जंगल में अब तक कई लाशें इसी तरह देखी है, आदत हो चुकी है, आप भी आदत डाल लीजिए। कहकर वो मुड़ी और वापस अपने कमरे की तरफ चली गई। मयंक और राजवीर अभी भी ये सोच रहे थे कि आखिर करण को मारने वाला जानवर कौन हो सकता है। अगर उसकी मौत इसी जगह हुई थी तो उन्हें उसकी चीख पुकार क्यों सुनाई नहीं दी? मुझे अभी सर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। राजवीर ने उसी टाइम अपने हेडक्वार्टर कॉल लगाया। सर, मैं राजीव बोल रहा हूँ। बोलो राजवीर, क्या बात है? सर, वन रक्षक करण मारा गया।
बहुत ही बुरे तरीके से। क्या करण मारा क्या? लेकिन कैसे? सुनकर राजीव ने उसको सब कुछ बता दिया। ठीक है, मैं अभी मदद भेजता हूँ। शिंदे, तुम अभी के अभी राजगढ़ पहुँचो। लेकिन सर, मेरा जाना वहाँ जरूरी है क्या? मैंने पहले भी कई बार नोटिस किया है कि तुम हमेशा राजगढ़ जाने के नाम पर डर जाते हो। क्या तुम एक फॉरेस्ट ऑफिसर होकर जंगल जाने से डरते हो? सर, मैं जानवरों से नहीं डरता, लेकिन उस जंगल में भूत प्रेतों का वास है। चुप हो जाओ, तुम वहाँ जा रहे हो और ये मेरा ऑर्डर है। ये सुनकर शिंदे ना चाहते हुए भी अपने साथ एक वन रक्षक रवि और एम्बुलेंस लिए जंगल पहुँच गया। कितनी खतरनाक मौत हुई है इसकी, तुम यहाँ पर रुके ही क्यों थे? सर, मेरी ड्यूटी लगी है यहाँ, अगर मैं यहाँ नहीं ठहरूंगा तो और कहाँ ठहरूंगा? लेकिन रात में यहाँ रुकना सही नहीं है, मैंने तुम्हें यहाँ आने से पहले ही समझाया था। क्या हुआ, आप लोग इतना शोर क्यों कर रहे हैं? तभी पीछे से एक आवाज आई और सभी ने मुड़कर उसकी तरफ देखा। निहारिका को देखकर शिंदे के चेहरे का रंग उड़ गया। ऐसा लगा जैसे कि उसको बहुत ही गहरा झटका लगा हो। तुम? ये निहारिका है, क्या आप इसको जानते हैं? सुनकर शिंदे ने एक लंबी सांस भरी और बोला, नहीं, मुझे लगा था मैंने देखा है, बट। कहकर उसने अपने साथ आए वन रक्षक रवि से कहा, चलो अंदर चलते हैं, हम सुबह होते ही यहाँ से निकलेंगे। ये कहकर वो चौकी के अंदर चला गया। राजवीर को उसका ये बर्ताव काफी अजीब लग रहा था और निहारिका के बारे में भी उसको अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। यार, अब चलकर सोते हैं यार, अब मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ये सुनकर राजवीर मयंक के साथ फिर से उसी कमरे में चला गया। वो बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन अभी भी उसकी नींद बहुत कच्ची थी। कुछ देर बाद उसको कोई शोर सुनाई दिया। वो दबे पांव बिस्तर से उठा और कमरे से बाहर निकला। उसने देखा कि शिंदे रवि के साथ खड़ा निहारिका के कमरे में ताका झांकी कर रहा है। फिर वो दोनों बाहर की तरफ जाने लगे। अब राजवीर भी उनका पीछा करने लगा। शिंदे ने बाहर गार्डन से एक फावड़ा उठाया और बोला, कार में से पेट्रोल की कैन निकालो। ये सुनकर रवि ने कार से पेट्रोल की कैन निकाली और फिर दोनों एक साथ आगे बढ़ गए। राजवीर भी उनका पीछा करता रहा। आखिरकार एक पेड़ के पास जाकर वो दोनों रुक गए। यहाँ खुदाई शुरू करो। ये सुनकर रवि ने उसके हाथ से फावड़ा लिया और जमीन खोदने लगा। आखिर ये शिंदे करना क्या चाहता है? थोड़ी देर खोदने के बाद जमीन के अंदर एक कंकाल नजर आया। रवि, इस पर पेट्रोल डाल दो। उसके कहने पर रवि ने कंकाल के ऊपर पेट्रोल डाल दिया और उसके बाद शिंदे ने अपनी पॉकेट से लाइटर निकाली और वो लाइटर जलाकर कंकाल पर फेंकने ही वाला था कि तभी वहाँ तेज हवा चली और लाइटर बुझ गया। अब राजवीर भी भागकर वहाँ पहुँच गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर, यही सवाल तो मैं आपसे करना चाहूँगा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये कंकाल किसका है? ये कंकाल निहारिका का है। क्या बोल रहे हैं आप, वो तो हमारी चौकी में है। वो उसकी आत्मा है जिसको तुम एक आम लड़के समझने की गलती कर रहे हो। ये सुनकर राजवीर के पैरों तले जमीन निकल गई। वो कुछ कहता इससे पहले ही अचानक से तूफानी हवाएं चलने लगी और सन्नाटे को चीरती हुई एक भयानक हंसी फिजा में गूंजी। तो सामने निहारिका खड़ी हुई थी। निहारिका, तुम यहाँ? अब मैं लूंगी मेरा बदला इस रिश्वत खोर ऑफिसर से। इतना कहकर वो बहुत ही भयानक रूप में आ गई। उसने अपने हाथों को ऊपर उठाया। जंगल के पेड़ पौधे जैसे उसके वश में हो चुके थे। पेड़ों की टहनियों से जटाएं निकलने लगी और उन पर हमला करने लगी। उन जटाओं ने अपने अंदर वन रक्षक रवि को जकड़ा और उसको पेड़ के ऊपर उठा लिया। अगले ही पल वो जटाएं रवि के पेट के अंदर घुस गई और उसकी मौत हो गई। फिर निहारिका ने शिंदे का गला पकड़ लिया। निहारिका, तुम कौन हो, मुझे बताओ तुम्हारी सच्चाई क्या है? जो कहानी मैंने तुमको बताई थी वो पूरी सच थी, लेकिन वो बात अभी की नहीं बल्कि पिछले साल की है।
मैं एक साल पहले ठाकुर और गांव वालों से परेशान होकर उसी तालाब पर मरने के इरादे से आई थी। यहाँ का फॉरेस्ट ऑफिसर था, इसने मुझे मरने से रोक लिया और दिलासा दिया कि ये मेरी मदद करेगा। लेकिन उसी रात मेरे सोने के बाद वो लड़की यहाँ मरने के लिए आई थी, तुमने उसे बचा क्यों लिया? ठाकुर साहब, अगर वह तालाब में डूब कर मर जाती तो कुछ ही दिनों बाद उसकी लाश पानी के ऊपर आ जाती, तब आप फंस सकते थे। अब हम मिलकर उसको खत्म करेंगे और उसकी लाश को जमीन में दफन कर देंगे। ये बातें मैंने सुन ली थी, मैं चौकी से उसी टाइम भाग गई, लेकिन इन दोनों ने मेरा पीछा किया और फिर दोनों ने मिलकर मुझे खत्म कर दिया। तब से ये जंगल मेरी आत्मा से शापित हो गया। मैंने ठाकुर को तो उसी रात मार दिया, अगली रात मैं इसको मारने ही वाली थी, लेकिन ये दिन में ही यहाँ से भाग गया। तब से अब तक मैं इसका इंतजार कर रही थी। तो आपके इस जंगल में ना आने की वजह ये थी। राजवीर, तुम जल्दी से लाइटर उठाओ और इसके कंकाल में आग लगा दो, ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर एक भी हड्डी बिना जले रह गई तो हम इसको नहीं मार पाएंगे। राजवीर ने लाइटर उठाया और उस खुली कब्र की तरफ बढ़ा। उसने लाइटर जलाया और निहारिका की तरफ देखा, वो अभी भी शिंदे का गला पकड़े हुए थी। राजवीर, जला दो इसको। आज ये जंगल शापित है सिर्फ आपकी वजह से। आपको इस जंगल का रक्षक बनकर यहाँ भेजा गया था, लेकिन आपने ही इसके अंदर अपने हाथों से गुनाह को अंजाम दिया। ये तुम क्या बकवास किए जा रहे हो? मैं एक वन रक्षक हूँ, मैं इस जंगल में कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। निहारिका के साथ फिर से नाइंसाफी नहीं होगी। ये कहकर राजवीर ने लाइटर बुझा दिया और उसकी कब्र में उतर गया। उसने उसके कंकाल की हड्डियाँ उठाई और अलग अलग जगह उनको उछाल फेंका। नहीं, अब ये तुमने ठीक नहीं किया, अब इसको हम कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। निहारिका ने शिंदे को दूर फेंक दिया, फिर उसने अपने दोनों हाथ ऊपर हवा में उठाए और पेड़ों से फिर से कांटों वाली जटाएं निकल गई और उन्होंने शिंदे को जकड़ लिया। वो जटाएं अब किसी तीर की तरह उसके शरीर के अंदर उतर गई और उसका खून चूसने लगी। फिर एक जटा तलवार की तरह उसकी गर्दन पर चली और उसकी गर्दन दूर जा गिरी। निहारिका ने एक बार राजवीर की तरफ देखा, वो उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। अब ये जंगल हमेशा मेरी निगरानी में रहेगा, राजगढ़ हमेशा शापित रहेगा। ये प्रोजेक्ट कल ही क्यों सबमिट करवाना है यार, कुछ दिन और दे देते तो आज हमें यहाँ रुकना नहीं पड़ता। मुंह बिगाड़ती हुई ऐना बोली और अपनी नोटबुक पर कोई आकृति बनाने लगी। निकोल कब से उसे और उसके द्वारा बनाई हुई ड्राइंग को देख रही थी। एक मिनट, देना तो तेरी नोटबुक। अचानक से निकोल ने ऐना की नोटबुक अपनी तरफ खींच ली। वाव ऐना, क्या बनाया है तूने? वाव यार, क्या बनाया तूने? ये खूंखार मानव भेड़िया जिसकी आंखें भी चमक रही है, बहुत ही गजब की ड्रॉइंग है। ऐसा लग रहा है जैसे अभी ये इससे बाहर आ जाएगा। हाँ। तुम्हें पता है, ऐसे मानव भेड़िए हकीकत में होते हैं। मैंने सपनों में देखा है इन्हें। सपनों में? क्या है ना तू भी। कहती हुई निकोल हंसने लगी, साथ ही साथ बाकी सब भी हंसने लगे। तभी पास ही के रीडिंग रूम में एक भारतीय मूल का लड़का निकल कर आया, जो बहुत देर से इन सब की बातें सुन रहा था। उसका नाम राहुल था। वहां से उठा और बुक रैक की तरफ चल दिया और एक बुक जिस पर बड़े बड़े अक्षरों पर वेयरवुल्फ लिखा था और एक खूंखार जानवर की तस्वीर थी जो हूबहू ऐना की बनाई हुई ड्राइंग से मिल रही थी, अपने हाथों में लिए आया और आकर सबके सामने बैठ गया। गाइस, थोड़ी देर अपने प्रोजेक्ट को साइड में रखो। ये बुक मुझे मिल गई है, चलो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। भेड़िया मानव एक मिथक जानवर है। इसके बारे में कहा जाता है कि असल में एक इंसान होता है जो खुद को एक भेड़िये में बदल सकता है। ये बदलाव पूर्णिमा के चांद से होता है।
कहते हुए राहुल सबको देखने लगा। ये कैसे हो सकता है? वेयरवुल तो अपना रूप अमावस्या को बदलते हैं ना, फिर पूर्णिमा को कैसे? एना आश्चर्य से बोली, नहीं एना, गूगल पर कहीं भी सर्च कर ले, जो वेयरवुल्फ होगा उस पर चांद की रोशनी पड़ते ही उस आदमी के अंदर का खूंखार जानवर जाग जाता है। नहीं, मैं नहीं मानती। चांद की चांदनी तो सबको शीतलता प्रदान करती है, तो वो इंसान के अंदर के जानवर को कैसे जगा सकती है? एना ने अपना व्यू रखा, तभी निकोल बोलने को हुई, लेकिन राहुल ने उन्हें चुप करवा दिया और आगे पढ़ने लगा। चांद की चांदनी शांति का प्रतीक होती है और इससे उलट अमावस्या को शैतानी आत्माओं की शैतानियत अपनी चरम पर होती है। इस समय वो कुछ भी कर सकती हैं, किसी भी इंसान को जानवरों में परिवर्तित कर अपना कार्य पूर्ण करवाती है। देखा, कहा था ना मैंने। चलो अब तुम आगे पढ़ो। कहा जाता है कि यदि कोई अमावस्या की काली अंधेरी रात में इस इंसानी खूंखार जानवर यानी वेयरवुल्फ का खूंखार सा चित्र बनाता है और उसे अमावस्या के रात के तीसरे पहर की हवा लग जाए तो वो उसी रूप में उस ड्राइंग से बाहर आ जाता है। जैसे ही राहुल ने पढ़ा वैसे ही सबके चेहरे की हवाएं उड़ गई। फिर राहुल ने आगे पढ़ना स्टार्ट किया। इस जानवर से सिर्फ एक तरीके से बचा जा सकता है। पढ़ते हुए अचानक ही बुक बंद कर दी। गाइस, मुझे कुछ काम याद आ गया जो मुझे आज ही करना है, कहते हुए बुक के साथ उठा और चलने लगा। तभी चार्ल्स ने वो बुक ले ली और पढ़ने लगा। इस जानवर से सिर्फ एक तरीके से ही बचा जा सकता है और वो तरीका है चांदी की कटार। यदि सूर्य की पहली किरण के साथ ही उस वेयरवुल्फ पर उस चांदी की कटार से उसके ललाट के बीचों बीच वार किया जाए तो ये उसी समय खत्म हो जाएगा। पढ़ते हुए चार्ल्स ने अपनी गर्दन ऊपर की और सबको देखा। सब एना को ही देख रहे थे। वहीं खड़ा राहुल सबको घूर रहा था। एना, तूने भी तो ड्राइंग बनाई है ना, और आज कहीं अमावस्या तो नहीं? एक स्टूडेंट एंथनी ने एना को देखते हुए कहा। तभी अचानक किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज आई। गाइस, कोई बेबी रो रहा है, लगता है किसी को हेल्प की जरूरत है, चलो ना चले, कहते हुए एना ने सबको अपने साथ लिया और बाहर जाने लगी। इस कॉलेज के एक तरफ बहुत बड़ा और गहरा जंगल था। वो आवाज वहीं से आ रही थी। रात के इसकी अमावस्या का तीसरा पहर लग चुका था। वो सब इस अंधेरी काली रात में धीरे धीरे जंगल में आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। अचानक ही मौसम में परिवर्तन हुआ और खूंखार जानवरों के दहाड़ने की आवाजें आने लगी। चमगादड़ों और उल्लुओं के चिल्लाने की आवाज आने लगी थी। वो सब इस काले जंगल में अपना रास्ता भटक चुके थे। सबने अपने फोन की फ्लैश लाइट्स ऑन कर रखी थी। डरते डरते सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे कि तभी एना को कुछ ही दूरी पर लाल बत्ती आंखें नजर आई। वो डरते हुए वहीं रुक गई। क्या हुआ है ना, तू रुक क्यों गई अचानक? देख, ये जंगल खतरों से खाली नहीं है, हमें जल्द से जल्द सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा, वरना कभी भी हम जंगली जानवरों का भक्षण बन सकते हैं। एना को देखते हुए निकोल बोली। वो वहाँ। बड़ी मुश्किल से आवाज निकालते हुए एना कुछ ही दूरी पर लगे एक बड़े से पेड़ की तरफ इशारा करते हुए बोली। सब उस ओर देखने लगे। सबको वहां चमकती हुई सी दो आंखें दिखी जो रक्तिम लालिमा लिए हुए थी। सूखे पेड़ों के पत्तों की सरसराहट और जंगली जानवरों की भयानक आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अरे, अरे खड़े क्या हो, भागो, लगता है आज रात अमावस्या का तीसरा पहर शुरू हो चुका है, कहते हुए चार्ल्स ने चिल्लाते हुए कहा और वहां से भाग खड़ा हुआ। देखते ही देखते वो सब वहां से भागने लगे। तभी अचानक ही उनके आगे एक बहुत बड़ी आकृति आ गई और उनका रास्ता रोक लिया। उनके सामने एक खूंखार वहशी दरिंदा खड़ा था जो आधा जानवर और आधा इंसान था, ठीक वैसा ही जैसा एना ने अपने सपने में देखकर वो ड्राइंग बनाई थी। ये तो बिल्कुल वैसा ही है, ड्राइंग जैसा, कहते हुए एना उस खूंखार जानवर को देखने लगी। एना, भाग जल्दी, और तुम सब भी जल्दी करो।
कहते हुए निकोल ने ऐना का हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ भागने लगी। भागते भागते अचानक ही उस खूंखार जानवर ने उनके एक दोस्त एडवर्ड को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। कुछ ही देर में बहुत भयानक चीत्कार से वो पूरा जंगल गूंज उठा, लेकिन फिर भी वो सब आगे बढ़ते गए और यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते रहे। चलते चलते वो सब थक चुके थे। थक हार कर वो सब एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गए कि तभी निकोल के ऊपर कुछ गीला और चिपचिपा पदार्थ आकर गिर गया। ये क्या गिरा? गीला गीला, ये क्या है? ओ माय गॉड, ये तो खून है! निकोल जोर से चिल्लाई और पीछे हट गई। वहां बैठे सब लोग खड़े हो गए और अपने फोन की फ्लैशलाइट से उस पेड़ की ओर देखने लगे। सब चिल्लाते हुए कुछ दूर हुए ही थे कि तभी एक लाश उनके सामने आ गई, जिसकी आंतड़ियां बाहर आ रही थी और उसमें से बहुत भयंकर बदबू आ रही थी। वो इसी ग्रुप का वही लड़का एडवर्ड था जिससे वेयरवुल्फ ले गया था। एना और निकोल दोनों दूर भागी। हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, हमें यहाँ से किसी और जगह चलना चाहिए। रोती हुई निकोल ने सबको दूसरी जगह जाने को बोला। वो सब आगे बढ़े ही थे कि एक बार फिर से वो वेयरवुल्फ उनके सामने खड़ा हुआ। अचानक ही वो खूंखार उन सब पर झपट पड़ा। उसने चार्ल्स को उठाया और जोर से एक पेड़ पर दे मारा। उसके सर पर बहुत गहरी चोट आई जिससे वो वहीं पर गिर गया। देखते ही देखते उसने बाकी जनों को भी घायल कर दिया, लेकिन फिर भी हिम्मत करते हुए रोते और घबराते हुए उन सब ने चार्ल्स को वहां से उठाया और वहां से भागे। अब तक वो अपने दोस्त साथियों को खो चुके थे। अचानक ही एक झटके में बिना टाइम गवाए हुए वो निकोल पर झपटा। अपने दोस्तों की हालत देखकर हैना को बहुत गुस्सा आया। तभी उसको राहुल की किताब की बातें याद आने लगी। अचानक ही हैना की नजर आसमान में गई। देखा तो पूरे आसमान में लालिमा फैली हुई थी। वो वेयरवुल्फ निकोल को देखते हुए लार टपका रहा था और देखते ही देखते उसने अपने नुकीले दांतों से उस पर वार करने ही वाला था कि ऐना ने अपने पास रखी हुई एक चांदी की कटार निकाली और सूर्य की पहली किरण निकलने के साथ ही उस वेयरवुल्फ की ओर फेंक दी। एक भयंकर चित्कार उस पूरे जंगल में गूंज उठी और साथ ही साथ उस जंगल का काला घना अंधेरा सूर्य की रोशनी से छटने लगा था। सब खुश होकर नाचने लगे कि वो मानव भेड़िया मारा गया। सब उस खूंखार को देखने लगे। देखते ही देखते उसका रूप बदलने लगा और वो इंसानी रूप में आने लगा। जैसे ही वो इंसानी रूप में आया, सब एक साथ जोर से चिल्लाते हुए पीछे की ओर हट गए। राहुल, ये था वेयरवुल्फ? सबके मुंह पर एक ही सवाल था।